हो जाएगा कि मतलब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जाएगी। आशीष, सीजन वन कितना आपने फॉलो किया है और किस तरह की तैयारी आपने की है, और आपकी जो कल ऑक्शन हुआ उसमें आपने प्लेयर्स बाय किए, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहोगे ऑडियंस? सर जी, सीज़न वन मैंने ट्रायआउट्स देखे थे, स्काउट, मॉर्टल, निश्चय और कैरी के। बहुत मज़ा आया। कैरी मेरे को कैरी से बहुत डर लगता है प्लेग्राउंड के ट्रायआउट्स देखने के बाद, क्योंकि कैरी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट है। एंड कल जो हुआ, कल तो ऑक्शन में हम लोगों ने, आप मैं आप सब मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार प्लीज़ आप कल का ऑक्शन देखो। इरिस्पेक्टिव आप मुझे नहीं जानते या किसी और को नहीं जानते, एज अ फ्रेश परस्पेक्टिव देखो, आपको इतना मज़ा आएगा। जो वहाँ पे चीज़ें चल रही थी हमारे बीच में, जो मस्ती मजाक चल रहा था, ये हम लोग दूर से हंस रहे हैं, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड बोली लग रही है। एक टाइम पे तो सब्जी मंडी बन गया था भाई, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। ऐसा हम लोग प्रिपेयर्ड कुछ और तरीके से गए थे, ट्विस्ट उधर ऐसा हो गया कि सबकी स्ट्रेटजी फेल पॉलिटिक्स हो भी गई। हुई, पता है पॉलिटिक्स छोटी हुई है कल एक। छोटी वर्ल्ड इतने खतरनाक होती है, हमें पता भी नहीं चलता हो चुकी है पॉलिटिक्स, और पूरा स्ट्रेटजी बदल जाता था। आपके लिए ऑप्शन कैसा गया और जो प्लेयर्स आपने लिए, क्या लगता है सबसे टफ कौन होने वाला है? सबसे टफ, मैंने बोला ना, वैसे इस बार ऑलमोस्ट सारी टीम्स काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे स्काउट लास्ट सीजन भी, इस सीजन भी, उसका सेट होता है, उसको पता है कि कौन कितना अच्छा गेमर है, कौन कितना सही टीम में खेलने वाला है, तो उसको पता है मेरे को यही पिक करना है। वो एंड तक खेलेगा ही नहीं, मतलब चुपचाप बैठा रहेगा और एंड में आके अपनी टीम बना लेगा। तो उसने एंड में टीम बनाई और प्रॉबेबली सबसे स्ट्रांग टीम बना ली। ऐसे ही आशीष भाई की टीम भी मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे कैरी की टीम भी लगता है अच्छी है काफ़ी। थोड़ी सी हर्ष भाई की टीम, हाँ वो वन साइडेड पावर लगती है फिनिक्स नाम है ना, पावर फिनिक्स। हाँ, तो वो उनका थोड़ा लास्ट सीजन वाला है कुछ, आई थिंक वो इस सीजन भी कंटिन्यू होगा नहीं। हो रहा है हर्ष क्या उंगली करता रहता है ना, तो टीम पावरफुल हो तो भी हमें वीक लग रही हाँ, कुड भी, मतलब हो सकता है, कुड भी रॉन्ग, बट बस हम कहने के लिए कह रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि जो टीम मैंने बनाई है मुझे तो सही लगा। या मेन तो है कि इस बार जो कंसिस्टेंट रहेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की टीम में कोई वीक है तो भाई वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरी टीम से। तो इस बार ऐसा है कि जो भी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली है वही टीम जीतने वाली है। और स्पेशली मेंटर्स, तो अभी हम लोगों को किसी को भी आइडिया नहीं है कि कौन अपनी टीम को किस तरीके से गाइड करेगा। बहुत बार होता है कि टीम खराब खेल रही होती है और मेंटर के गाइडेंस वो कम बैक कर देती है, तो ये चीज़ आपको पहले वीक के बाद ही आप बोल सकते हो। पहला वीक होता है एकदम फ्रेश, उस आप जज नहीं कर सकते कौन कैसा खेल रहा है। आशीष, आपसे जानना होगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, इट हैज बीन लाइक पूरा चेंज हो गया है, एक अलग लेवल पे चला गया है, गेमिंग से अवार्ड्स भी होने लगे, हाउ डू यू सी द गेमिंग प्लेटफॉर्म? सर ये अभी राइज ही होता रहेगा, एंड मेरे हिसाब से जो इंडिया का सबसे बड़ा नेक्स्ट सुपरस्टार, जो बिलियनियर या मिलियनियर कहते हैं ना, अमीर एक न्यू जेन कंटेंट क्रिएटर, वो एक गेमर होएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम लोग काफ़ी साल से इग्नोर करते आए हैं, हमारे माँ बाप उसको बहुत हल्के में लेते हैं। एंड मैं कोई दूसरे प्रोफेशन को डिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट काफ़ी सालों से इसको बस एक ऐसा वीडियो गेम्स खेलना, दिमाग सड़ जाता है का टैग मिलता है, जबकि ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी स्ट्रैटेजी होती है, इसमें भी लास्ट मोमेंट आपको यू नो दिमाग लड़ाना रहता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है एंड ऑलरेडी कर रही है। इंडिया के जो टॉप, आप कैरी के बाद जो टॉप यूट्यूबर्स देखेंगे, आप देखेंगे अभी सब पहले लिस्ट में भुवन था, मैं होता था, यू नो कॉमेडियंस होते थे, अभी वो पूरी लिस्ट बदल चुकी है। अभी ये तो देखो, ये रोस्ट भी करता है, ये गेम भी खेलता है, तो इसने अच्छा अपना क्या है, पांच छह उंगलियां घी में इसकी। जी आई थिंक प्लेग्राउंड सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करवाएगा कि यार नहीं, बच्चे गेमिंग से कुछ कर सकते हैं। जो उनके दिमाग में एक है ना कि यार बच्चों, मतलब गेमिंग मतलब क्या होता है कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेमिंग में कुछ रखा ही नहीं है। एक टाइम के लिए अपने बच्चों को लोग स्पोर्ट्स खेलने भी भेज देते हैं, अब ऐसा हो गया है कि गेमिंग को वैसा बना दिया कि नहीं यार टैबू है, उसको क्या ही करना, बच्चों गेमिंग खेलने क्यों भेजना है।
ये शो के थ्रू उन लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं भाई गेमिंग का भी फ्यूचर है, गेमिंग भी एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, आप अगर अच्छे गेमर और आपका आपके अंदर अगर पैशन है तो आप उसको प्रोफेशन बना सकते हो। बॉलीवुड किसने डेब्यू किया सर? शक्ल शायद थोड़ी कैरी जैसी लगती है बट मैं कैरी हूँ नहीं। कैरी ने बॉलीवुड डेब्यू करा है और हर्ष ने भी करा है। कैरी, हर्ष, प्राजक्ता सर, हमें सर आपने तो दुखती दुखती नस पे सर पैर रख दिया था। आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह लोगों को प्राजक्ता होगी, जैसे ये लोग का डेब्यू हो चुका, पीपल आर लाइकिंग देम, पीपल वांट यू टू सी, तो अगर कुछ बता, रोहित सर इज वेरी क्लोज टू यू, वी ऑल नो रोहित सर से बात की है, हाल फिलहाल सर बोलते जिम जा, फिर देखेंगे बात करेंगे, तो अभी तो बातें वहीं तक पहुंची है, तो मे बी वन डे आपकी दुआ है वो तो पिक्चर में भी आ जाऊंगा। ये सिर्फ हम्बल बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बिफोर एंडिंग ऑफ दिस कन्वर्सेशन आप लोगों से जानना चाहूंगा, अपने टीम में कौन से एक प्लेयर है जिसको आप लुक फॉरवर्ड करते हो और दूसरे की टीम में कौन सा लगता है कि ये प्लेयर थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं? यार वी हर टीम में एक प्रो प्लेयर है तो सारे प्रो से स्ट्रॉन्ग है। मेरे टीम में पर्सनली तो मेरा जो प्रो है मैं उसको ऑब्वियसली साइड लूंगा, तो वो यूफो। बाकी हर टीम का एक प्रो ऑटोमेटिकली बेस्ट प्लेयर रहता है क्योंकि उनके टीम का प्रोफेशनल है जो पूरी टीम को होल्ड अप करने वाला है साथ में और खेलने वाला गेम्स। सर मेरा एक बंदा है ईलाई, हाँ वो एमी अवार्ड नॉमिनेटेड बंदा है, तो वो मेरे को लगता है मेरा बहुत ऐसा सरप्राइज रहेगा, तो उसका मेरे को है एक लाइक मेरे पास लास्ट सीजन का रिटेन ही है वंशज, आई थिंक वो प्रोबेबली गेमिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह में भी काफ़ी सही है एंड उसको घर के अंदर पॉलिटिक्स भी खेलनी आती है, तो आई थिंक वो हमारी टीम के लिए काफ़ी सही होगा। बट इस सीज़न जैसा स्काउट ने बोला कि सब ने एक प्रो प्लेयर लिया तो हमारा वो है अक्षु इस बार, तो आई थिंक अगर गेमिंग की प्योरली गेमिंग की बात करूँ तो आई गेस अक्षु होगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Look your right. इधर देखे सर बताइए। इधर जाओ। Guys here, this camera. Thank you. Wait ma. Thank you for that. विजय सर आप लोग Yeah. Solo. Solo कर लेते। Yeah.
बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत पता है वही मैं कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था कि बहुत ना ऐसे छोटी सी छोटी छोटी पॉलिटिक्स चलती है जो आई डोंट थिंक नॉर्मली लोगों को दिखती है, बट वो हमारे लिए बहुत फन होती है, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ओके अच्छा इधर देख रही किस किस कैम में, कोई नहीं सामने सेंटर कैम ठीक है। मेरा तो पहला ऑप्शन था और मतलब जो सोच के चला था मैं कि ये होगा ऐसे होगा फ़न आएगा, फ़न आया ज़रूर, बट जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ना बाकी मेंटर्स में तो वो थी, वो दिख रही थी, तो मैं भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था एंड बाकी मेंटर्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव चिड़ गया था ये पीछे। हाँ मैं चिड़ गया था, मैं तो मारने वारने वाला था तो मज़ा आया, मतलब फ़न कॉम्पिटिटिव जोन में था तो इट वॉज़ वेरी फन। जब आप अंदर होते हो ना उसके तो आपका बहुत ऐसे चिड़न मेरे को भी हो रही थी बीच बीच में मेरे से, बहुत हाँ सबसे ज़्यादा ऐसे तो बीच में हो जाती है, बट जैसे फिर खत्म होता है ना फिर हम सब नॉर्मल होते हैं, धीरे धीरे आउट ऑफ जोन जाते हैं, वो है ही ना कॉम्पिटिटिव करने के लिए ही है वो चीज़। एग्जैक्टली और सब दिमाग लगा रहे थे अपना। सीजन टू में पहली शुरुआत है, नई शुरुआत है आपके और हर आशीष के लिए, सीजन वन कितना आपने फॉलो किया? सीजन वन मैंने बाद में फॉलो किया था, जब मुझे पता लगा कि मैं कर रहा हूँ तो फिर मैंने मतलब पहले मैंने थोड़ा बहुत किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा देखा कि क्या होता है ऑक्शन में क्या होता है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई आउट्स में कर रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं, तो मैंने बाद में थोड़ा बहुत फॉलो किया था तो समझा कि क्या कर रहे हैं, किसकी क्या गलतियाँ रही है, किसने क्या अच्छा किया, तो वो सब कुछ देखा और वो देखना ज़रूरी है तभी आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे उनको देख के। कैरी आपसे जानना चाहूँगा, पिछले इंटरव्यू में सबने एक चीज़ एग्री किया कि हर्ष की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, आप कितना इस बात पे एग्री कर रहे हैं? किसने बोला ये? पिछले इंटरव्यू में ये बात हुई थी, मैंने पूछा था क्या लगता है, तो सबने बोला था कि हर्ष की टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे, नहीं नहीं मेरे को तो लगता है आई थिंक मेरी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं डेफिनेटली मानता हूँ, मतलब सॉरी बट हाँ फिर वो सही थी, हर्ष से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सी गेमिंग वाली, मतलब मैं हर्ष की टीम को बॉटम थ्री में देखता हूँ आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देखियो अच्छी बात है, सपने में देखियो पर बट मेरे हिसाब से ना सबको अपनी टीम लग रही होगी बढ़िया कि मेरी टीम बढ़िया मेरी टीम बढ़िया है, बट जो वहाँ पर जाके जब खेलते हैं ना तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कौन बेस्ट है क्या नहीं है, एक हफ्ता वेट करते हैं देखते हैं सबकी परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद बात करते हैं किसकी बेस्ट है किसकी बेस्ट। भाई मेरे पास ऑलरेडी वो प्लेयर्स हैं जो पिछले सीजन में खेल चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो ऐसे तो आदित भी है ना मेरे पास, तो मतलब मेरे पास एक है मेरे पास दो हैं, चलो कोई नहीं देखते हैं लेट्स सी। बात मैं करूं कैरी आपसे जानना चाहूंगा, आपके प्रो प्लेयर्स में कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि पिछली बार मेरा जो प्रो प्लेयर था उसने लिटरली वो फर्स्ट आया था, तो मेरे को तो उस पर कोई डाउट नहीं है कि इस बार भी वो फर्स्ट आएगा। हाँ तो पिछली बार जैसे ये कह रहा फर्स्ट आया था, मैं कहूँगा जो पिछली बार टीम आई थी फर्स्ट स्काउट की वो आदित की वजह से आई थी, तो इस बार आदित मेरे पास है तो लेट्स सी क्या होता है। तो मेरा बंदा अकेला कैरी कर रहा था ना टीम को, करेंगे अभी देखेंगे, अभी वो अभी बातें बोलने से कुछ होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट बातें बोलने ठीक है, चल ठीक है वही कह रहा हूँ देख लेंगे। माना जा रहा है कि इस बार सीजन टू में काफ़ी सारे बदलाव देखने में आने वाले हैं, आप कुछ बताना चाहोगे? कैरी यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सीजन वन, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू सी इन द सीजन टू? द बिगेस्ट चेंज आई वुड से, जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये होगा कि पिछली बार आई वुड से पूरा सीजन गेमिंग की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट था, इस बार दोनों की तरफ ही है, गेमिंग और एंटरटेनमेंट,
क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ी सी आई थिंक ये हमसे गलती हो गई कि हमने एंटरटेनमेंट साइड को थोड़ा ज़्यादा फेवर दे दिया था हमारी तरफ से टीम वाइज, बट वो गेमिंग की तरफ ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे, तो इस बार दोनों को ही इक्वल मिलेगा। गेमिंग को लेके कितना बदलाव, इज देयर एनी चेंज ऑफ द पैटर्न, वी आर गोइंग टू सी द सेम पैटर्न व्हाट वी हैव सीन इन द सीजन? नहीं नहीं, फॉर्मेट हमारा वही है, बट जो मेन चेंज है वो ये है कि जो प्लेयर्स हैं इस बार ऐसे लोग नहीं आ रहे जिनको कीबोर्ड और माउस ऑपरेट करना नहीं आता, सब बहुत फ्रेंडली हैं और सबको दे आर वेल इक्विप्ड टू प्ले, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको खेलना नहीं आता होगा, तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होगा इस बार। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करो, दोनों से सवाल रहेगा ये मेरा, प्लेग्राउंड जिस तरह सीजन वन आया सीजन टू, क्या लगता है कितना बदलाव नजर आ रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म में? कैरी, यू हैव बीन पार्ट ऑफ कैरी मिना टीम, आपकी गेमिंग प्लेटफॉर्म अलग है, क्या लगता है किस तरह बदलाव नजर आता है आपको? मेरे को बदलाव इस तरफ से आते हैं क्योंकि जब एंटरटेनमेंट फैक्टर जुड़ता है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज़ वेरी कमर्शियल, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए गेमिंग से ज़्यादा कमर्शियल एंटरटेनमेंट है, बट जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना तो उससे गेमिंग को भी एक नई ऑडियंस मिलती है, और मैं तो मतलब गेमिंग का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, जितने लोग नए लोगों तक गेमिंग पहुँच सकती है और जितना क्रेज बढ़ सकता है मैं तो ऑलवेज अप फॉर इट। किस तरह बदलाव आपको नजर आया है? मतलब बदलाव किस सेंस में कह रहे हो आप, किसके थ्रू, मतलब किस पे बदलाव आया? गेमिंग प्लेटफॉर्म को, जिस तरह गेमिंग प्लेटफॉर्म के अब इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, हाँ लोग का नजरिया बदला। हाँ, मैं देखो बचपन में देखते हैं गेमिंग मींस मम्मी पापा बोलते हैं नहीं गेमिंग नहीं करना है, यार मैं वो तो देखो वो तो मैं सारा क्रेडिट ना ये जितने भी नए गेमर्स आ रहे हैं ना, मतलब जैसे टू बी ऑनेस्ट ये इन सब बदलाव में ना आई गेस कहूँगा स्काउट का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया ना ई स्पोर्ट्स वगैरह में परफॉर्म किया, स्काउट हो गया, बीट मोटल, बीट का बहुत सारे नाम थे, तो सब ने जो ये जो परफॉर्मेंस करा ना उनको देख के जब बच्चे लोग सीखे कि भाई हाँ गेमिंग में करियर बना सकते हैं, तो आई गेस इन दोनों को तो मैं बहुत क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर गेमिंग इतनी बड़ी बन गई है कि अब गेमिंग का एक रियलिटी शो आ रहा है, ये सब आ रहा है, एंटरटेनमेंट शो आ रहा है, तो आई गेस ये गेमर्स लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट कैरी भी गेमिंग करता है, तो उसको देख के और लोग सीखते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि गेमिंग में भी करियर है, तो वो अपने घर वालों को बताते हैं देखो हाँ इसमें करियर बन सकता है, तो आई गेस बदलाव लोगों की वजह से बहुत आया। कैरी, आपने बॉलीवुड में भी डेब्यू भी किया, आपका गाना भी काफी फेमस है, व्हाट वुड यू लाइक टू से, हाउ डू यू सी द डेब्यू और बॉलीवुड में किस तरह से आप देखने वाले हो? मेरा एज सच मेरे को एक बार ट्राई करना था, मेरे को क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए था कि मूवी कैसे होती है, तो मेरा एज सच मैंने पिछली बार भी बताया था, मेरा एज सच इतना अभी फ़िलहाल के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं अपने पे थोड़ा ज़्यादा इंडिविजुअल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, अभी वो मेरा फोकस नहीं है, हो सकता है लेटर ऑन जाके मेरा थोड़ा फोकस चेंज हो जाए, बट अभी के लिए मैं अपनी स्किल्स और अपनी जो चीज़ें हैं, मेरे स्केचेज़ हो गए, मेरी बाकी वीडियोज़ हो गई, कोई वेब सीरीज़ हो गई या फिर कोई गाना हो गया, मैं उन पर ही फोकस करना चाहता हूँ। अभी मैंने चालू नहीं किया देखना, मेरे को देखना है, बट थोड़ी कोई मेरी मदद कर देगा इम्पोर्टेंट बिट्स बताने में तो मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा, पूरा नहीं देखना पड़ेगा मुझे, तो बनेगी आएगी, मेरी कोशिश है पूरी कि बिग बॉस के ऊपर एक वीडियो आए। बिल्कुल देखो कंटेंट तो वो पहली प्रायोरिटी है कि कंटेंट खुद क्रिएट करें, बट अभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा OTT की तरफ बढ़ें, खुद का कंटेंट OTT की तरफ बनाएं, YouTube भी चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं YouTube छोड़ देंगे कुछ, बट अभी आई गेस जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सब मोस्टली फोकस हो चुके हैं OTT की तरफ, भुवन भाई ने भी जैसे अभी ताज़ा खबर बनाया, तो आई गेस सबका एक नेक्स्ट फोकस वही है, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं उसी तरफ बढ़े अभी। कैरी, आपके कुछ इस तरह के फोकस है? बिल्कुल, जिस तरह भुवन के अभी हाल ही में एक सीरीज आई थी और उसके पहले एक और सीरीज जो प्यार मिलता है, डू थिंक यू शुड ट्राई दिस काइंड ऑफ कंटेंट? नहीं बिल्कुल, आई थिंक OTT में बहुत स्कोप है और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है तुम्हें और एक अलग नज़रिए से लोग तुम्हें देख पाते हैं, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि लोग हमें ऑब्वियसली एक ही चीज़ में देख रहे हैं बार बार, तो हम भी कुछ नया देना चाहते हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम OTT पे जाके कोई सीरीज़ कर सकें या कुछ और कर सकें और अपने आप को एक खुद की बना सके बेसिकली, क्योंकि हमारा हम क्रिएटर्स हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद की कोई सीरीज़ बनाएं, मेन यही है कि खुद की बनाएं ताकि लोग भी हमें नए फॉर्मेट कोई और काम ना दे तो हमें खुद को काम दे दें,
एग्जैक्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. योर टॉप थ्री क्या लगता है, कंपनी कौन होगा आपके सबसे पांचों में से? अच्छा प्लेग्राउंड में यस. क्या लगता है विनर कौन होगा? मैं बताता हूँ मेरे को चाहिए. आई थिंक सांगवान बहुत तगड़ा कंपेटिटर आएगा इस बार, सांगवान. और बाकी फिर मैं अपने क्या कहते हैं, मेरे पास एक्चुअली मेरे जो प्लेयर्स हैं यार, अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ उनके बीच में, बट आई वुड स्टिल से कि जो मैं टॉप फाइव की बात करूँ तो मैं देखता हूँ सांगवान और जो मेरे प्लेयर्स हैं, तीन जो प्लेयर्स हैं जो कि है जयंत, जय खत्री और आयान, मैं चाहता हूँ कि वो वापस टॉप करे. मतलब मेरा ऐसे फेवरेट बायस नहीं, अगर तीनों में से कोई भी जाता है आई एम वेरी मच फाइन, मेरे को तो फर्स्ट आने से मतलब है, बट मेरे को मेरे तीन प्लेयर टॉप थ्री में चाहिए. टॉप थ्री प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेयर्स आई गेस टॉप थ्री प्लेयर्स में सांगवान का नाम बिल्कुल सही है, सांगवान आएगा टॉप थ्री में. आई थिंक आदित्य भी टॉप थ्री के अंदर होगा एंड आदर्श भी टॉप थ्री में हो सकता है. यूफो थैंक यू. केवल नीचे कर दो. मूव कर दो. पीछे से थोड़ा मोबाइल. आप लोगों को कैरी कैसा लग रहा है, क्लीन शेव करके आए? अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है. नहीं यार मेरे को दाढ़ी तो सही है, तू क्लीन में सही लग रहा है. तो जिस दिन आए थे मेरे को भाई लग रहा है. हां आप तो आता हो. हां देखा इसकी दाढ़ी, कोविड ने क्या सीन बदल दिया एकदम. पर क्या क्या हो गया ना दूसरा भाई, थोड़ा पीछे चलो. डन.